भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा। चलिए दोबारा स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। ठीक है, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों सभी को, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। जल्दी से बताइएगा आवाज आ रही है आप सभी को मेरी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बच्चे दिमाग में रखिएगा, अभी जो हम ये जो 9:30 बजे का लाइव टेस्ट कर रहे हैं, इसका फोकस करंट अफेयर रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, ज्यादातर हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। और इस लाइव टेस्ट को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। 70 क्वेश्चन आपके इस लाइव टेस्ट में होंगे और प्लस आपके 50 क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। 130 क्वेश्चन एग्जैक्टली करते हैं, 120 या 140 के आसपास। ठीक है, दिमाग रखेगा तो क्विज वॉर जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आज मुझे उम्मीद है सभी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं क्लास में क्विज वॉर कराता ही कराता हूँ। 50 क्वेश्चन होंगे अपने क्विज वॉर के, और मैं आपको डिफेंस लेवल से क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन मुश्किल मिलेंगे। आएंगे वो एसएससी रेलवे सभी में, लेकिन मैं लाऊंगा डिफेंस लेवल से, जिससे कि आपका क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और मुश्किल हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। फ्री क्लासेस अनअकैडमी की 9:00 बजे होती हैं। कल भी अपन लोग 9:00 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लास करेंगे, तो आप अमनदीप शर्मा सर्च करिएगा। ठीक है, अमनदीप शर्मा सर्च करिएगा और जुड़िएगा। इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे रखा है, शेयर करो यार सेशन को एक बारी। और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। देखो यार, पहले मैं कह रहा था कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहते हैं तो जुड़ जाएं। अब मैं कहूँगा आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपका बेनिफिट इन्हीं 2 महीने में होगा। ठीक है, नवंबर और अक्टूबर, अगर अक्टूबर और नवंबर में आपने तैयारी जम के कर ली रेलवे डिफेंस और एसएससी की, अपने बेस्ट कंटेंट को मैं इसी 2 महीने में लेके आता हूँ, तो वो ये 2 महीने हैं। तो भैया अक्टूबर और नवंबर जो है, इसमें आप लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करें और मेरे कोर्सेज को जुड़े। 6:30 बजे का कोर्स है, मेन टैब पे क्लिक करो, मैनेज गोल, गेट सब्सक्रिप्शन, मंथ सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करो लाइव अमन इस कोर्सेज के लिए। ठीक है, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है, बाकी डिटेल में बताता हूँ आपको कोर्सेज की क्लास के एंड में। ठीक है, क्विज के बाद आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कमेंट करिएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर क्या है दोस्त इस क्वेश्चन का। देखो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, विटामिन B9 जो है किसमें पाया जाता है। ठीक है, फोलिक एसिड में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। करंट अफेयर जल्दी से, 12th इंडियन सिक्योरिटी समिट जो हुई थी कौन से शहर में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया कि 12th इंडियन सिक्योरिटी समिट कौन से शहर में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है, न्यू दिल्ली में सबमिट हुई। जो 12वां इंडियन सिक्योरिटी सबमिट हुआ वो कहाँ पे हुआ दोस्त, न्यू दिल्ली में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता। जल्दी से बताएं करंट अफेयर एक और कौन जल्दी से बताएगा। इंडिया का पहला जो है स्काई साइकिलिंग पार्क बनाया गया है भारत में कौन से शहर में। जल्दी से बताएं कौन से हिल स्टेशन में बनाया गया। ठीक है, जल्दी से बताएं कौन से हिल स्टेशन में बनाया गया, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन से हिल स्टेशन में बनाया गया सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट एवर स्काई साइकिलिंग पार्क। ठीक है, मनाली में बनाया गया इसे। ठीक है, मनाली में इसे बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, शरत कमाल एंड जी सत्यानंदो, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं कौन से खेल से संबंधित है, जल्दी से बताएगा ये दोनों खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। करंट अफेयर में आ चुका है इनके ऊपर, रिसेंटली न्यूज में रहे थे, तो आप जल्दी से बता सकते हैं। रिसेंटली जो भी न्यूज में रहता है उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए आंसर क्या इसका, टेबल टेनिस के खिलाड़ी। किसके, टेबल टेनिस के खिलाड़ी। एक और क्वेश्चन देखिए, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जल्दी से बताएगा नए फाइनेंस सेक्रेटरी किसे बनाया। देखिए ये तो अपडेट करना पड़ेगा, छोड़ सकते हैं इसे हम, क्योंकि अपन लोग ना इसको बदलेंगे। ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एक लाइन का क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। सवाल ये पूछा गया, स्पिटिंग को एक ऑफेंस माना गया है COVID-19 के चलते। पूछा गया है कौन से एक्ट के तहत स्पिटिंग को भारत में एक ऑफेंस, एक गुनाह माना गया है COVID-19 के चलते। पूछा गया कौन से एक्ट के तहत, तो दिमाग में रखिएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। किसके तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, दिमाग रखिएगा। चलिए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। करंट अफेयर है,
गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू जो बनाया गया, कौन से शहर में इसे बनाया गया, जल्दी सरते का, कौन से शहर में गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू को सेटअप किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यार। मेरी क्लास में ये जो 9:30 और 8 बजे क्लास होती है, उसमें 8 और 9:30 बजे वाली क्लास का क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, 100 क्वेश्चन और किस, और यहाँ पे 70 क्वेश्चन और किस, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, पूरे 300 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भैया। सिंपल सी बात बोलूंगा, पूरे 8 से 10 पढ़िया करो मुझसे अगर पढ़ना है, और कल कोई छुट्टी नहीं है दोस्तों, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। मेरी क्लास जैसे होती है सुबह और रात को होंगी, 8 से 10 क्लास होती है तो होगी। आंसर इसका क्या बच्चे, दिमाग रहे नागपुर में, ठीक है। ट्रैफिक ये जो है, हाँ जी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ट्रैफिक, और इसके हेडक्वार्टर पूछे गए कहाँ पे, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है बच्चे। ये दिल्ली पुलिस क्या हर एक एग्जाम के लिए ए टू जेड ऑल एग्जाम आंसर क्या, यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है, ट्रैफिक के हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ठीक है। वी नम्माल जो है इंडिया के ओल्डेस्ट योगा टीचर है, इनके हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, पूछा गया कौन से राज्य से संबंधित है। भारत के सबसे जो पुराने योगा शिक्षक थे उनकी मृत्यु हो गई है, पूछा गया कौन से राज्य से संबंधित, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, तमिलनाडु से संबंधित। एक और क्वेश्चन देखिए, नेम अ गैस विच इज यूज इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, कौन सी गैस क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज की जाती है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा, और यार शेयर करना सेशन को सारे के सारे, ठीक है। आंसर क्या है, मेरी आवाज मैं थोड़ा लाउड रखता हूं कि आप जागे रहो, ऐसे नहीं बोलता मैं कि आप जागे ना रहो, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ना जोश बनाओ अपना। क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो दोस्त मिथेन यूज करते हैं इसके लिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, गर्मियों के मौसम में हम फैन को यूज करते हैं क्योंकि भैया वो क्या करता है, हमारा जो स्वेट होता है ना, ठीक है, गर्मियों के मौसम में जब हम फैन को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा जो पसीना होता है ना उसे ना इवेपोरेट करता है, जिससे हमें फीलिंग कंफर्ट आता है, कूलिंग कंफर्ट आता है। तो आंसर इसका क्या है, इसका सी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डॉन वैलेंटाइन जो है, नाम तो सुना ही होगा वैलेंटाइन, ठीक है, फिर भी बताओ, फाउंडर ऑफ स्कॉस कैपिटल, इनके हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, पूछा गया कौन से देश से संबंधित है, जल्दी से बताएगा ये कौन से देश से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे इसका, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनटीपीसी का हेडक्वार्टर का है। करंट अफेयर बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन स्टैटिक जीके भी आना चाहिए, ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा, एनटीपीसी कहां पे है, दिल्ली शहर, ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, न्यू दिल्ली इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी से बताएगा, कौन सा राज्य सरकार ऐसी है जिसने मॉडर्न नर्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी है, कहां पे, आंगनवाड़ी में, जल्दी से बताएगा, वहां की आंगनवाड़ियों में मॉडर्न नर्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, पूछा गया कौन से राज्य ने इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की बात करी, आंसर क्या बच्चे, मध्य प्रदेश राज्य ने इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की बात करी है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर, भाई क्यूज में कहां से लाते हो मैं आपको बताऊं, आपके क्यूज के लेवल को बनाना है मैंने खतरनाक, तो इसलिए मैंने सीडीएस के क्वेश्चन चुने हैं, आपको आएंगे वो हर एग्जाम में लेकिन होंगे सीडीएस लेवल के सारे क्वेश्चन, जिससे आपको पता चले कि मुश्किल चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, क्यूज 70 क्वेश्चन के बाद होगा और खतरनाक लेवल होगा क्यूज का पूरा, ठीक है, दिमाग रखिएगा। हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बॉम्ब, आंसर क्या है, एडवर्ड टेलर के द्वारा, जल्दी से बताएगा। शाहीन एक्सरसाइज जो, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये कौन से दो देशों के बीच में होती है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, समित्वा स्कीम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, घोषित की गई, सवाल पूछा गया कि भैया ये जो समित्वा स्कीम है ये किस क्षेत्र से संबंधित, जल्दी से बताइए, समित्वा जो स्कीम है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है बच्चे, दिमाग पर रखिएगा, लैंड ओनरशिप के रिकॉर्ड, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ जमीन है, कुछ बीघे जमीन है, हमारे जम्मू में तो मरले होता है कि कुछ मरले जमीन है हमारे पास, तो भैया उसका रिकॉर्ड पता होना चाहिए, तो यार ये क्रिएशन ऑफ लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड है, इसके लिए स्कीम स्टार्ट की गई है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर करना है यार सेशन को, कॉम्पिटिशन तभी बढ़ेगा जब आप शेयर करोगे, ठीक है, दिमाग रखेगा, हाँ जी, आंसर क्या है, डेसिबल, ये तो आसान है, स्केल ऑफ साउंड, ठीक है, दिमाग रखे, जो हमारा बड़ा हुआ इस समय, ठीक है, दिमाग रखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं है तो कहने का मतलब उसमें कार्बन नहीं है, क्या नहीं है उसमें, कार्बन नहीं है, ठीक है, दिमाग रखे, और हाइड्रोजन नहीं है, तो भैया कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ किस में नहीं है,
अमोनियम साइनाइड में नहीं है, अमोनियम साइनाइड में नहीं है बिकॉज इट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से देखो। प्यारा क्वेश्चन, रियोटवारी सिस्टम जो है मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगर आपसे महलवारी पूछा जाता तो जेम्स थॉमसन, अगर आपसे परमानेंट सेटलमेंट पूछा जाता तो कॉर्नवालिस आंसर होता। ठीक है, तीनों याद रखना। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया प्रीमियम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए? पूछा गया कौन से राज्य ने एग्रीकल्चर के लिए प्रीमियम डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनाने के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जल्दी से कमेंट करिएगा। कौन सा राज्य, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जो एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर? भाई अगर थोड़ी सी बफरिंग होती है ना, क्लास को स्किप मत कराया करो, लास्ट तक जाओ, कोड लो, आज का कॉम्पिटिशन खतरनाक होगा, क्वेश्चन होंगे गजब, दिमाग घुमाने वाले। आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 22 का, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है दोस्त, आंसर क्या है इसका? ठीक है, दिमाग को रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंध्र प्रदेश सरकार। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया 2019 का न्यूक्लियर एनर्जी कंक्लेव जो हुआ था कौन से राज्य, कौन से शहर में हुआ, जल्दी से बताएगा। 2019 का न्यूक्लियर एनर्जी कंक्लेव जो हुआ कौन से शहर में हुआ था, जल्दी से बताएं बच्चे। मुझसे अगर जुड़ना है तो एग्जैक्टली 8 से 10 पढ़ो रोज, कल भी पढ़ेंगे हम 8 से 10। आपको बस यूट्यूब पे रात को 8 बजे आके यूट्यूब पे सर्च करना जीके विद अमन सर, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। आंसर क्या है दोस्त इसका, आंसर न्यू दिल्ली है। एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड होलोकॉस्ट फोरम जो हुआ था ये कहाँ पे? ठीक है, दिमाग रहेगा, मॉस्को में। वर्ल्ड होलोकॉस्ट फोरम की बात हो रही है, मॉस्को में हुआ था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये कल सुबह क्लास आती है कंप्लीट स्टैटिक जीके, एक रिपोर्ट की वीडियो बची है, कल मैंने इसे प्रीमियर कर दिया है 10 मिनट की वीडियो को। ठीक है, और मंडे से इसमें सेंसस 2011 की पूरी डिटेल आएगी, कंप्लीट स्टैटिक जीके सुबह डेली होता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। आंसर क्या है, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितनी है भैया? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, दिमाग रखें, अगर मून का पूछा जाता तो 2.3 हो जाता। ठीक है, दिमाग रखें। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ठीक है, चलिए, ये करने की जरूरत है नहीं करने यार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ जी, यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनाने का। ठीक है, इस लोकेशन के पास पूछा गया है, दिस साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जल्दी से बताएगा। भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनाने का डिसाइड किया है कि भैया इस लोकेशन में बनेगा। पूछा गया लोकेशन कौन से राज्य में, कमेंट करिएगा ये कौन से राज्य में है लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का? आंसर क्या है? तमिलनाडु इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत की कौन सी ऐप को, कौन सी मोबाइल ऐप को इस बार 2019 का यूएस टेक्नोवेशन चैलेंज अवार्ड मिला, जल्दी से बताइएगा। 2019 में भारत की कौन सी ऐप को यूएस टेक्नोवेशन चैलेंज जो है इससे सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या है? मैत्री ऐप। कौन सी ऐप को? मैत्री ऐप को सम्मानित किया गया। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। एक बॉडी सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है तब जब वो हो ब्लैक और रफ। ठीक है, दिमाग पर रखेगा, ब्लैक और रफ। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम जो है वो कौन से देश में है, जल्दी से बताएगा। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कौन से देश में, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कौन से देश में है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा। इंडिया, हमारा भारत। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, कॉमन एम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। बड़े आप प्यारे क्वेश्चन में से एक है। देखो यार, क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर। मैं आपको बताऊँ, अभी जो मैं आपसे क्यूज पूछूंगा ना, क्यूज को मैं और मुश्किल कर दूंगा, सीडीएस देख के घबराना मत। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जीके है, अल्टीमेट टास्क है जीके का, आसान मुश्किल सब आना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। तो भैया जीके को थोड़ा सा मुश्किल लेवल पे लेके जा रहा हूँ, क्यूज में लेवल को मुश्किल करने के लिए सीडीएस लेवल लेके आता हूँ, लेकिन वो एसएससी रेलवे सब में इंपॉर्टेंट है भैया। सिंपल सी बात है, आएगा वही, जो मुश्किल क्वेश्चन होगा वो लगेगा बड़ी दूर से आ गया, जो आसान होगा लगेगा भैया एलसीडी के पेपर में पूछा जाता है, एलडीसी के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइए। 2019 एशियन ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप कौन जीता? आंसर रोनाल्डो सिंह को। ठीक है, हाँ जी, फ्यूज वायर जो है मिश्रित धातु बनता है, पूछा गया किसका, जल्दी से बताएगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या बच्चे? टिन और लेड इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला,
थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है ठीक है, दिमाग रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, तीन लैंग्वेज फॉर्मूला किसके द्वारा दिया, कठारी कमीशन है क्या इसका आंसर, बिल्कुल कोठारी कमीशन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताए लाइव टेस्ट 9:30 बजे डेली, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कल भी होगा भाई लाइव टेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम, जल्दी से बताएगा। मानव शरीर में कौन सा इसमें से पाचन के लिए एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन नहीं है, बाकी सारे हैं, बाकी सारे हैं, गैस्ट्रिन नहीं है। ठीक है दिमाग रखिएगा, गैस्ट्रिन इज नॉट द डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो में जल्दी से बताएगा, कौन सी ऐसा, कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल फिलहाल में नाटो का जो, ठीक है, ट्रीटी है इसे रेटिफाई किया है, जल्दी से बताएगा कौन सा देश है, आंसर क्या है इसका, कौन से देश ने हाल फिलहाल में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है नेहा गुप्ता प्लीज ट्राई करिए, वैसे तो मैं थोड़ा सा बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, फिर भी आप ट्राई करें कि आप थोड़ा सा ना स्पीड को इंक्रीज करने, मतलब जज करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को जल्दी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन देने वाला हूं अभी क्विज में, और उसमें मैं टाइम कम करने वाला हूं। ठीक है, मेरा, मेरी क्लास का अल्टीमेट टास्क है नॉलेज के साथ एफिशिएंसी और स्पीड इंक्रीज हो। ठीक है दिमाग रखिए, दोनों चीजें इंप्रूव करनी है। आंसर क्या है इसका, नॉर्थ मैसिडोनिया इसका आंसर है। व्हाट डिटरमाइन द कलर ऑफ स्टार, एक तारे का कलर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चे, उसके टेम्परेचर से डिटरमाइन कर सकते हैं कि भैया कलर क्या होगा। ठीक है दिमाग रखिएगा, कलर क्या होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी, डायनामाइट को बनाने के लिए पहले तो हम नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं, और दूसरा क्या यूज करते हैं यार, जल्दी से बताएगा, डायनामाइट को बनाने के लिए पहला तो नाइट्रोग्लिसरीन, बिल्कुल सही, आसान है यार, और दूसरा सोडस्ट और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है दिमाग रखेगा, सोडस्ट और अमोनियम नाइट्रेट को यूज करते हैं। ठीक है दिमाग रखे, एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच साइंटिस्ट हैज गिवन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया दोस्तों, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एम फराडे के द्वारा दिया गया। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हाँ जी, अभी अपने 30 क्वेश्चन स्क्रीन पे बसते हैं और 50 क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बसते हैं। ठीक है दिमाग रखेगा, 50 कॉम्पिटिशन में बसते हैं और 30 क्वेश्चन स्क्रीन पे बसते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन अगर आप दे रहे हो ना, तो उसको पूरे फोकस से दो, ऐसा दो कि भैया पेपर है आपका, क्योंकि टाइम भी मिलेगा, रैंक भी मिलेगी, आपको ये भी पता चलेगा फर्स्ट रैंक पे हो या 50वीं रैंक पे हो या 100 हो या 500 हो। ठीक है, अभी वाले क्विज में 600 बच्चे कंप्लीट कर रहे थे, कुछ बच्चे 600 रैंक पे, कुछ पहली रैंक पे। ठीक है, समझ रहे हो, आंसर क्या इसका, स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे एक। विच इंडियन सिटी हैज होस्टेड द नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020, नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020 जो है, कौन सी इंडियन शहर, कौन से भारत के शहर में हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है, भोपाल में हुआ। ठीक है दिमाग रखिए, मध्य प्रदेश में हुआ, भोपाल में। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ये नहीं करना, हाँ जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सवाल, ये अमेजोन आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है अमेजोन अब। ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अमेजोन ने लोकल शॉप ऑन अमेजोन प्रोग्राम कौन से देश में स्टार्ट किया है। ठीक है, तो भैया भारत में ही है लोकल शॉप सारी की सारी, क्योंकि अब मिलेगा हमें पूमा का उमा। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, अगर आप यहां से खरीदते हैं, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं है, देखिए लोकल शॉप्स ना क्रेडिबिलिटी रखती है, लेकिन हमें ना उसको बढ़ावा देना पड़ेगा बस। ठीक है, वो अमेजोन कर रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, अमेजोन कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट डिफेक्ट हो जाता है कभी कभी, क्लोरोफाइक मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए दिक्कत हुई है। क्लोरोफॉर्म आंसर क्या है, ग्रीन इसका आंसर। देखिए, क्लोरोफाइक कौन से शैवाल है, मैं बता चुका हूं, क्लोरो का मतलब है ग्रीन, क्लोरो का मतलब क्या है, ग्रीन है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन होते हैं, तो इसलिए आंसर इसका क्या है, ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 47 का, हाँ जी, एल्केन जो है सिंगल होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सवाल अब ये पूछा गया है कि एल्केन में जो आइसोमेरिज्म होता है वो किस पैटर्न का होता है, जल्दी से बताएगा, एल्केन में जो आइसोमेरिज्म होता है वो किस पैटर्न का होता है, 47 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, किस पैटर्न का होता है। ठीक है जी, आंसर क्या है बच्चे, चेन आइसोमेरिज्म होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर, ठीक है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मान लीजिए कोई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, उसका जो बिहेवियर है उसको, ठीक है, स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन सा है, जल्दी से बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। यार क्वेश्चन मैं मुश्किल लेके आने वाला हूँ क्विज में, ठीक है, आज का क्विज मुश्किल होगा भैया, पहले बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक बड़े लेवल पे, हार्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, साफ सीधी बात है, ला सको रैंक तो ले आना भाई। ठीक है, अहमद खान,
हाँ जी, इसे अभी वेब प्राइज मिला है ना, ठीक है, पूछा गया कौन सी फील्ड से, ठीक है, जर्नलिज्म से संबंधित है अहमर खान। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ वर्ड, जल्दी से बताइएगा। अहमर खान जो है ना फेमस है, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है, दिमाग रखे। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, डॉट मैट्रिक्स किसका टाइप है, जल्दी से बताए, क्वेश्चन 50 का आंसर बताएगा, किसका टाइप है बच्चे, डॉट मैट्रिक्स किसका टाइप है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं किस मुश्किल होगा लेकिन देना जरूरी। क्रिएट कर दिया है मैंने किस, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चा, डॉट मैट्रिक्स इज अ प्रिंटर टाइप, ठीक है, दिमाग रखिए, प्रिंटर का टाइप है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, 50 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 50 के 50, ठीक है, दिमाग रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यूपीएससी का नहीं दूंगा मैं आपको, क्विज वो दूंगा जिसमें आपको जीके का लेवल मुश्किल मिलेगा। ठीक है, दिमाग रखिए, इट्स नॉट यूपीएससी, इट्स लेवल मुश्किल है जो हर पेपर में आता है यार। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 में से 20 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे ही आएंगे, ठीक है, दिमाग रखेगा। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर, गंदे होते हैं आपके क्वेश्चन, डीमोटिवेट करते हैं, तो मैं मोटिवेट करने के लिए आपसे ये पूछ लेता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, आता है, ऑफिशियल मोस्कोड क्या है, बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स का ऑफिशियल मोस्कोड क्या है, आंसर क्या है बच्चे, सियो रोहन रोहन इसका ऑफिशियल मोस्कोड है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये गंदे दिखते हैं क्योंकि आते ही नहीं हमें। जल्दी से बताएं, विच इज द फर्स्ट अरब कंट्री, करंट अफेयर है, कौन सा पहला अरब कंट्री है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ऑपरेट किया, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा पहला करंट अरब कंट्री है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ऑपरेट किया, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, आंसर यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हां जी, कौन सा ऐसा आईआईटी जिसने कोलेगन प्रोड्यूस किया है वेस्ट ईल स्किन से, दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेस्ट ईल स्किन से कौन से आईआईटी ने कोलेगन प्रोड्यूस किया है। जब भी आईआईटी का क्वेश्चन आता है ना भैया, उसको याद रखो, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पूछा जाता है, आईआईटी हैदराबाद इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, क्रोनोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज में आता है, क्रोनोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज में आता है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, दिमाग रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, दिमाग रखिएगा, क्रोनोमीटर टाइम। आप एक बच्चों दिमाग में रखना, आपका ना कभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, उसका कंटेंट मुश्किल होता है। अगर मैं आपसे 10 लाइन 3 लाइन का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, और उसमें ऑप्शन भी 3-4 दे रखे हैं, याद रखना वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको वो 3 लाइन का मिले ना मिले, उसमें से कोई एक छोटे से पोर्शन पे क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मुश्किल क्वेश्चन में से ही एक छोटा सा पोर्शन आपके एग्जाम में दिया जाता है। किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना अगर एक सलाह अच्छी चाहते हो। अगर आसान क्वेश्चन करते हो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन करना सीखो, क्योंकि उसी मुश्किल क्वेश्चन में से एक आसान क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। ठीक है, दिमाग पर रखेगा। ठीक है, अद्वैत भारतीय, ठीक है, रिसेंटली इन्होंने माउंट किलिमंजारो पे क्लाइम किया, पूछा है कौन से शहर से, पुणे शहर से। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, इसलिए नन ऑफ दिस इसका आंसर है। वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, इसलिए नन ऑफ दिस इसका आंसर है, क्योंकि वेव फॉर्म ऑप्शन में दे नहीं रखा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, अपन को क्विज में हिंदी चाहिए, मिल जाएगी आज आपको, क्विज में हिंदी मिलेगी फुल फ्लेज, ठीक है, बायलिंगुअल। ठीक है, स्पीड ऑफ ब्लड को मुझे अगर मेजर करना है तो मैं कौन सा आइसोटोप यूज करूंगा, जल्दी से बताएगा। अगर मैं स्पीड ऑफ ब्लड, ठीक है, हमारा रक्त की जो गति है हमारे शरीर में, उसको नापना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं रेडियो आइसोटोप यूज करूंगा, सोडियम। ठीक है, दिमाग रखे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वैल्यू ऑफ जी डिटरमाइंड बाय हुम, जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जी की वैल्यू किसने डिटरमाइन करी थी, आंसर क्या बच्चे, कैवेंडिश ने। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, हाँ जी, बाली यात्रा इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट फेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बाली यात्रा भारत के कौन से राज्य में होता है, और ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार मेले में से एक है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, आंसर क्या है,
आज की उसका पैटर्न पता है किस लिए अजीब था, क्योंकि उसमें मुश्किल क्वेश्चन आए थे और मैं दोबारा अजीब ही दूंगा। मुश्किल क्वेश्चन आएंगे चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपके रैंक आए ना आए, ठीक है दिमाग रखिए, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा मुश्किल भैया, सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूँ आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है, इधर चाहे आपका मुंह बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा इसका आंसर, लाइव टेस्ट डेली होता है, ये नहीं करना करा हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, उद्योग रत्न अवार्ड जो है, ठीक है, वो किसे मिला जल्दी से बताइएगा, उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिला, कमेंट करेगा उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिला, ठीक है जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिला, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है, ठाकुर अनूप सिंह को मिला। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री ने ओशियन एनर्जी पावर जो है घोषित किया है, जल्दी से बताइएगा कौन सी मिनिस्ट्री ने ओशियन एनर्जी को ग्रीन पावर घोषित किया गया है, कमेंट करिएगा कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है ऐसा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है यार, ऑप्शन से पता चल रहा है। ऑप्शन से ही पता चल रहा है आंसर क्या है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, वर्ल्ड जीनेस रिकॉर्ड मिला है, 4 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। मैं आपको सरकार के विडंबना बताऊं, इस समय की विडंबना, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज को जान के कि दिए तो 4 लाख जगाए जा रहे हैं लेकिन रोशनी नहीं आई अभी तक, ठीक है, अगर आई होती तो गलत काम नहीं होते सर का इस पूरे राज्य में, ठीक है। अयोध्या इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अटल किशन मजूदार कैंटीन जो स्कीम है कौन से राज्य में, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कौन से राज्य में, 64th क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है दोस्त, हरियाणा इसका आंसर है, हरियाणा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रिवर इंडस सिंधु नदी जो है कहां से उत्पन्न होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से, ठीक है बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है, 65th क्वेश्चन का आंसर है, ये गलत है भैया, हिंदू कुछ तो नहीं हो सकता, कैलाश रेंज इसका आंसर है, ठीक है दिमाग रखिए, कैलाश रेंज इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा, पर्स भाई कुछ कह रहे हैं कि मुझे उर्दू लैंग्वेज में चाहिए, कुछ चाहिए किसी में, मैं बोलूंगा मेरे को अपनी लैंग्वेज डोगरी लैंग्वेज में चाहिए, तो यार ऐसा नहीं हो सकता, एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, उसमें क्यूज होगा अभी, बस ये 4 क्वेश्चन कर लो जल्दी से। हाँ जी, मायोपिया को सही करना कनकेव लेंस को यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, नेशनल वोटर्स डे का जो थीम रहा था दोस्त वो क्या रहा था, कमेंट करिएगा व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे, जल्दी से बताएगा व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदान जो दिवस होता है इसका थीम क्या दोस्तों, आंसर क्या है इसका, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर द स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता होनी चाहिए, ठीक है दिमाग रखे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है तुम्हें सभी लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वैसे इस क्वेश्चन को हम पुराना समझ सकते हैं, करंट अफेयर नहीं है। पैरा एथलीट राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला, ठीक है दीपा मलिक को मिला था, पुराना हो गया क्वेश्चन, हाल फिलहाल का है तो भैया रोहित शर्मा आंसर होगा, क्या होगा आंसर, रोहित शर्मा आंसर होगा, राजीव गांधी खेल रत्न। बताएं नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कौन से शहर में बनाया जाता है, कौन से राज्य में बनाया जाता है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में बनाया जाता है, जल्दी से अपने लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं और उसके बाद अपना क्विज का कोड लो, और यार दिमाग में रखना क्वेश्चन आपको मुश्किल मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा मन करेगा कि छोड़ के चले जाऊं क्विज को, मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन भैया फिर भी करना क्योंकि पेपर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है दिमाग रखे, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है दिमाग रखेगा करना पड़ता है। आंसर क्या है, लद्दाख इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो हो गया भैया ब्लड फ्लो, ठीक है रेडियो सोडियम आइसोटोप है, ठीक है चलिए हो गए 70 क्वेश्चन हमारे पूरे, और आपकी स्क्रीन पे है क्विज का कोड आज का 085017, मुश्किल होगा पेपर पहले बता रहा हूं, लेकिन फ्री है भैया, अटेम्प्ट तो कर सकते हो, देख सकते हो कि पेपर में भी ऐसे ही हवा गुल हो सकती है, ठीक है दिमाग में रखिएगा, इसलिए 2 ट्राई करो, जितने बच्चे हैं जोश में आ जाओ, हर एक बच्चा पहुंचे अनअकैडमी के फ्री क्विज में, क्लास का हिस्सा है, पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, फ्री है, आपको पैसे देने नहीं है इसके लिए, फ्री होगा पूरा क्विज, लेकिन आपको मिलेंगे जरूर, अगर आप इस क्यूज में रैंक लेके आते हो, स्पीड में आंसर देते हो, सबसे ज्यादा बढ़िया स्कोर करते हो, तो आपको कॉइन्स मिलेंगे, जो कि कॉइन्स आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट में, जो आपका अनअकैडमी प्रोफाइल है उसमें जाने वाले हैं, ठीक है उन कॉइन्स को आप मेरे कोर्सेज के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है दिमाग में रखिएगा,
साथ के साथ दोस्त एक चीज को दिमाग में रखना, इसमें रैंकिंग मिलती है, जरूरी है। समझते हैं कैसे ज्वाइन करना। 10 मिनट में स्टार्ट करूंगा इस क्विज को। कितने मिनट में? 10 मिनट में। समझ लो कैसे ज्वाइन करना, अभी 10 मिनट में जुड़ जाओ सारे सारे। अनअकैडमी ऐप ओपन करो, सारे के सारे अनअकैडमी ऐप ओपन कर लो। उसमें इस मेन टैब पे क्लिक करके प्लस पे जाओ। किस पे? प्लस पे। प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करना जरूरी है। जब आप प्लस पे क्लिक करते हो ना, स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। स्क्रीन जब ऐसी होती है, उस पे टेस्ट पे क्लिक करो। टेस्ट, ये ऑप्शन है टेस्ट का, इस टेस्ट पे क्लिक करो। और फिर ज्वाइन किस पे क्लिक करो, किस पे ज्वाइन किस पे क्लिक करो, ज्वाइन किस पे क्लिक करके आपको कोड डालना है 085017। ठीक है, दिमाग रखिएगा, इंपॉर्टेंट। दोबारा सुन लो, अनअकैडमी ऐप ओपन करो, 10 मिनट में स्टार्ट कराऊंगा, आप पहुंच सकते हो आराम से। मेन टैब पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो, फिर टेस्ट पे क्लिक करो, ज्वाइन किस पे क्लिक करो, कोड लगा के वेट करो। जल्दी से मैं 10 मिनट में स्टार्ट कराने वाला हूं। ठीक है, दिमाग में रखिए, इजी है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल है। इधर पहुंचना इजी है, क्वेश्चन मुश्किल है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अभी बता देता हूं। ठीक है, कहीं फिर बुरा मानो, सर ने मजाक खेल लिया तुम्हारे साथ। जल्दी पहुंच जाओ भाई सारे। ठीक है, पूरे 10 मिनट के लिए ये आपकी स्क्रीन पर रहेगा कोड, पूरे 10 मिनट के लिए। ठीक है, दिमाग रखिएगा, पूरे 10 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन पर रहेगा ये कोड। ठीक है, ज्वाइन करने का तरीका दोस्तों बता दिया है मैंने, पूरा ज्वाइन करने का तरीका बता दिया, बस अब आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, गुड नाइट नहीं है दोस्त, जल्दी से पहले क्विज देखो, उसके बाद, क्योंकि कल भी क्लास होगी अपना, पूछूंगा मैं तुमसे कौन कौन क्विज में नहीं पहुंचा। जल्दी से पहुंच जाओ। और बच्चों दिमाग में रखना, अपने कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी जुड़ते हो, आपको कोर्सेज भी मिलने वाले हैं, आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वैसे एक क्विज तो फ्री है, लेकिन फिर भी आप कोर्सेज में भी जुड़ सकते हो। लास्ट बचे 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, ज्वाइन का किसका नहीं आ रहा है डियर आपका? अगर ज्वाइन किसका ऑप्शन नहीं आ रहा ना, तो इसमें एसएससी गोल को ना सीडीएस कर लेना, आज के लिए इसको सीडीएस कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप एसएससी गोल को जो है सीडीएस कर लेना। अनअकैडमी पे ही होगा अगर आपका नहीं हो रहा, वैसे तो एसएससी गोल से भी हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा ना तो उसके लिए सीडीएस कर लो। ठीक है, अनअकैडमी पे क्यूज हो रही है इस समय। ठीक है, दिमाग रखिएगा, अनअकैडमी क्यूज हो रही है, वैसे तो एसएससी से भी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता तो सीडीएस करना। ठीक है, दिमाग रखिएगा। ठीक है, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में स्क्रीन पे से दादा साहिब पालके अवार्ड। भाई ये सब चीजें तो होती रहेंगी, पहले क्वेश्चन तो दो, सोल्व तो करो क्वेश्चंस को। चलिए, उम्मीद है सारे आ चुके हैं क्विज में।
ठीक है, पहुंच चुके सारे के सारे। सारे आ चुके हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं एक चीज को और दिमाग में रखना, सारे के सारे इस चीज को एक दिमाग में रखना यार, कि अपन लोग क्या है साथ के साथ, सारे पहुंच चुके हैं फिर भी और जुड़ जाओ जितने बच्चे देख रहे हैं। एक चीज दिमाग में रखना, अगर आपका ये नहीं ज्वाइन हो पाया ना, आप क्या करो अनअकैडमी ऐप पे ना अमनदीप शर्मा सर्च कर लो, बस प्रोफाइल फॉलो कर लो। कल सुबह एक फ्री क्लास लेके आऊंगा सुबह 9 बजे, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन प्रोफाइल फॉलो करते ही मिल जाएगा आपको। उस क्लास में आपको मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। और बाकी आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अपने कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुके हैं रेलवे और डिफेंस में। इन 2 महीने में तैयारी करोगे तब मजा आएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। इन 2 महीने में तैयारी करोगे, रेलवे दिसंबर में और डिफेंस के भी दिसंबर नवंबर में ही एग्जाम है, तो इन दोनों कोर्सेज में आपको थ्योरी, एक्सपेक्टेड पेपर और सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ एक ही कोर्स में। रेफर कोड क्या है? लाइव अमन। और कोर्स का टाइमिंग क्या है? 6:30 बजे का। देखो यार, ये समय इस समय प्रिपरेशन करो, मैनेज गोल करके मेन टैब पे प्लस का ऑप्शन दिया जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन का, उस पर क्लिक करके मन सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करो लाइव अमन, ठीक है। और अगर आप क्यूज में अच्छा रैंक लाते हो तो उसका जो, ठीक है, कोर्स जो आपको कॉइन्स मिलेंगे उसको आप यूज कर सकते हो लाइव अमन रेफर कोड के साथ साथ कोस्ट को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए, जितने बच्चे देख रहे हैं उम्मीद है सारे पहुंच चुके हैं, कोर्सेज को भी ज्वाइन कर लेना और इस क्विज को ज्वाइन करो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसको, ठीक है, किसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं, ओके, मैंने स्टार्ट कर दिया किसको, ठीक है। ये कोड लिख लो, दोबारा एक बार बता देता हूँ, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, इस क्विज के लिए कंपलसरी करना ही है। अनअकैडमी ऐप पे जाओ, मेन टैब पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो, फिर टेस्ट पे क्लिक करो, ज्वाइन किस करो और ये कोड लगाओ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आज के लिए जुड़ने के लिए, सुबह मिलते हैं और कल की सभी क्लासेस में एज इट इज मिलेंगे, ठीक है, अपनी क्लासेस चलेंगी कल भी प्रॉपर तरीके से। थैंक यू, सेशन को लाइक करेगा, शेयर करेगा।